आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, यात्रा के दौरान लोगों की सुनी समस्याएं। सहरसा में चैरिटेबल ट्रस्ट ने की बैठक आयोजित, गरीब परिवार के बीच कंबल का हुआ वितरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मधुबनी आगमन, क्राइम मीटिंग का हुआ आयोजन। बेतिया में पंचायतों में होर्डिंग सर्वे, नजरी नक्शा की तैयारी। बेतिया में शीतलहर और ठंड का प्रकोप, बच्चों के स्कूल बंद करने के आदेश। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर वैशाली से है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की शुरुआत हुई। वैशाली जिला के भागलपुर प्रखंड के हुरैना पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाधान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान दसई चौधरी के घर पर जाकर शिष्टाचार मुलाकात की और कुछ लोगों की समस्या को भी सुना। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने पुराने दिनों की यादों को भी ताजा किया। इन लोगों ने रेगुलर उसको कराया स्टाइपेंड देने का। अब बाकी जो अत्याचार है वो कोई एक मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री चाहे कि इस अत्याचार को हम खत्म कर दे, वो संभव नहीं है। वो जो लोकल बॉडीज है जो सरकार के अधीन काम करता है, शासन प्रशासन जिसको हम लोग कहते हैं, उन लोगों का काम है कि साहब कहाँ पर घटना हो रही है। ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत प्राप्त लाभुक है ये सारे। इन लोग को 10 लाख का लोन दिया जाता है जिसमें 5 लाख का अनुदान है और 5 लाख का महिला लोग का तो फ्री है। सहरसा शहर के मीर टोला में स्वर्गीय सैयद मोहम्मद हुसैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बैठक आयोजित की गई। स्वर्गीय सैयद हुसैन की पत्नी सलेहा हुसैन ने कहा कि आपदा विपदा में गरीबों को मदद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के द्वारा गरीबों के लिए सेवा अनवरत जारी है। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर 100 से अधिक गरीबों के बीच गर्म कम्बल का वितरण किया गया है। इस दौरान ट्रस्ट के संचालक फयाज अहमद ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर राहत वितरण कर जरूरतमंदों को आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। ट्रस्ट के द्वारा निरंतर समाज में कमजोर लोगों के बीच राहत वितरण एवं आर्थिक सहयोग प्रदान कर सहायता दी जाती है। कितने लोगों के बीच में बांटा गया? 100 लोगों के बीच में कंबल बांटे बांटे हैं। उसके बाद फिर आगे भी देखेंगे, जरूरत महसूस होगी तो और बांटेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मधुबनी जिला आगमन को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ विप्लव कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया।
जिसमें एसडीपीओ ने मौके पर मौजूद सभी थाना अध्यक्षों को मुख्यमंत्री के आगमन सहित प्रशासनिक सतर्कता बरतने से लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए। उनका जो है अपराध गोष्ठी रखा गया है, इसमें जो है कांड का जो है डिस्पोजल, उससे संबंधित जो है दिशा निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो है अपराध और अपराध नियंत्रण और ट्रांसबॉर्डर एक्टिविटी और मद निषेध से संबंधित जो गतिविधियां हैं उस पर सख्ती से पालन किया जाए, जो कानून बना है। और इसी क्रम में जो है जितने भी थाने हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री का आगमन भी होना है, उस संबंध में भी जो है हर तरह। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मझौलिया में एक मोबाइल झपटमार गिरोह को मझौलिया बाजार से मोबाइल और बाइक सहित ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि रतनमाला निवासी को ग्रामीणों ने रंगे हाथों मोबाइल और बाइक सहित पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिसे इनके विरुद्ध कांड दर्ज कर मेडिकल जाँचों कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही एक नशेड़ी को शराब के नशे में गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बाजार से मोबाइल की झपटमारी करने वाले एक व्यक्ति को मोबाइल के साथ पकड़ा गया है। एक गाड़ी भी बरामद हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। और एक व्यक्ति को जो शराब के नशे में था उसको पकड़ा गया है। दोनों को जो न्याय की जा सकती। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां हर शनिवार की तरह इस बार भी रामनगर थाना परिसर में जनता दरबार लगाकर कई जमीनी विवादों का निपटारा किया गया, जिसमें अचला अधिकारी विनोद कुमार मिश्रा ने कहा कि एक जमीन विवाद का मामला है, जिसमें दूसरे पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक हफ्ते का समय दिया गया है और ऐसे ही दो जमीनी मामलों का निपटारा किया गया है। इस मौके पर रामनगर थाना अध्यक्ष अनंत राम भी मौजूद रहे। थाना में थाना अध्यक्ष रामनगर के साथ शनिवार भूमि विवाद से संबंधित जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें आज एक नया मामला प्राप्त हुआ। पुराहा ग्राम के द्वारा आवेदन दिया गया है, उनको उनके विपक्षी को बुलाया गया। विपक्षी को एक सप्ताह का समय दिया गया है कागजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु। 14 जनवरी को उपस्थित होंगे। कागजी परीक्षण के पश्चात उसमें यथोचित निर्णय दिया जाएगा। और पूर्व के दो मामलों पर सुनवाई की गई, जिसका विधि सम्मत तरीके से उसको निष्पादन किया गया। जन सुराज यात्रा के तहत मोतिहारी पहुंचे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज से शुरू जाति जनगणना पर कहा कि जाति जनगणना समाज को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए है। जाति जनगणना के वैधानिक आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ये बताएं कि इसका वैधानिक आधार क्या है और जनता का क्या इससे विकास होगा। अगर विकास करना है तो ये आंकड़ा समझ लें कि बिहार में 13 करोड़ लोग आज भी देश में सबसे पिछड़े हैं, उनका उत्थान होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जनता को जागृत करने के लिए निकला हूं, योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं करने का विरोध हो रहा है और समाजवाद के नाम पर लोगों की इच्छाओं को दबा दिया गया है। ओपनिंग किए थे फुलगा और पहली बार लाए थे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में और उससे गाड़ी डिग्रेड करते हैं अपना और लोकल में जो भी डील हो रहा है और पटना मंडी में और मुजफ्फरपुर मंडी में हम डील करते हैं और सारे लोगों को सुविधा मिलती है। हर ये 12 महीने हमारे यहाँ फूल मिलते हैं। 12 महीने फूल से कितनी आमदनी हो जाती है? वो से मिनिमम मतलब जो है या मिक्स में क्या मिनिमम मैक्सिमम जो भी है आपका वही लगभग। जो सुखी किसान है ये अपना ट्रेडिशनल लेके चल रहा है, पारंपरिक खेती भी कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है एग्रीकल्चर विभाग में उसको भी अपना रहा है। जो हमारा एग्रीकल्चर विभाग है और फिर हमारा आत्मा है, इससे इसने ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षण और भरवान जो हम लोग कॉलेज में देते हैं, वीके में देते हैं, अदर स्टेट में भेजते हैं, फिर इंटरनल स्टेट्स में भी भेजते हैं, फिर उन्हें हम सिखाते हैं कि आप अपने ही खेत पे पारंपरिक तरीके को अपनाते हुए कैसे टेक्नोलॉजी के साथ मतलब थोड़े से ज़मीन में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। वैशाली में है और यहाँ से ये हम रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से जो मैन्युफैक्चरिंग करके और लोगों को अच्छे सस्ते दामों में पहुंचाते हैं ग्रामीण परिवेश में जी।
और इससे बहुत सारा लाभ हुआ, गरीबों का उत्थान हुआ। हम लोगों को मसीहा मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा योजना ला के किस तरह से खबर बेतिया से है, जहां जिले में चल रहे शीतलहर और ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश देकर सूचित किया है कि बढ़ते ठंड और शीतलहर को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी व निजी विद्यालय 14 जनवरी तक बंद रहेंगे और सभी शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में जाति गणना के लिए पहले चरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। गणना के पहले चरण में प्रखंड के सभी 27 पंचायतों में होर्डिंग सर्वे और नजरी नक्शा तैयार करने का कार्य संपन्न होगा। इसके लिए प्रखंड के 133 पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बात करें 751 पंचायत वार होर्डिंग सर्वे करते हुए नजरी नक्शा का रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस संदर्भ में बीडीओ सतीश कुमार ने बताया कि वार्ड की गणना की जानी है, जिसका शुभारंभ आज भसुरारी पंचायत से किया गया है। उन्होंने बताया कि इसका प्रशिक्षण पहले सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को दिया जा चुका है। भसुरारी पंचायत में गए थे और वहां कार्य का शुभारंभ किया गया। विदित हो इसके पूर्व सारे प्रगणक और पर्यवेक्षक को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रथम चरण के कार्य में मकान सूचीकरण और प्रगणक तथा पर्यवेक्षक के द्वारा नजरी नक्शा का निर्माण किया जाएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बक्सर से है, जहां सूबे में लागू शराबबंदी के बाद भी कई शराबी सड़कों पर झूमते और तमाशे करते देखे जाते हैं। इसी तरह के एक शराबी को मुफसिल थाने की पुलिस ने जब देखा तो उसे पकड़कर हवालात में डाल दिया। हवालात में जाने के बाद भी शराबी झूमता रहा। उसने ऐसी तान छेड़ दी कि पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए और साथ ही अपने मधुर गीत के माध्यम से अपना दर्द भी बयां किया। इस मामले में किसी ने उसके गाने का वीडियो बना लिया और इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। इंटरनेट मीडिया पर यह गाना सुनने के बाद लोग शराबी की आवाज के ऐसे दीवाने हुए कि वह उसकी तरफदारी में लग गए।
मोतिहारी के पहाड़पुर थाना अंतर्गत 25 दिसंबर को अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अब पुलिस को इस मामले में सफलता हासिल हुई है। मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि घटना का खुलासा करने के लिए टीम गठित की गई थी। घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसके साथ ही पुलिस ने बीते दिनों पेट्रोल पंप पर हुई लूट की घटना का खुलासा किया है। वहीं जयसवाल बद्रस के कर्मचारी के यहां हुई लूट पर पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को लूटे हुए पैसे के साथ गिरफ्तार किया है। कुल चार अलग अलग मामलों में उद्भेदन हुआ है। पहला मामला जो संग्रामपुर थाना अंतर्गत एचपी पेट्रोल पंप से 38,000 रुपये लूट का एक मामला दर्ज हुआ था 12 दिसंबर को। इस संबंध में सफल उद्भेदन करते हुए दो अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इसमें है अखिलेश कुमार उर्फ चक्कू, देवरिया थाना जिला मुजफ्फरपुर के, और वहीं के रहने वाले हैं कुमुद कुमार, उनको गिरफ्तार किया गया है। अखिलेश कुमार के पूर्व मोतीपुर धाक मेरी कांड दर्ज है हत्या का 2022 जुलाई का। उनके पास से ये देशी कट्टा भी मिला और दो गोली मिली है। खबर मोतिहारी से है, जहां दिव्यांग अधिनियम को लागू करने सहित 32 मांगों को लेकर पूर्वी चंपारण के दिव्यांग ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। सैकड़ों की संख्या में धरना पर बैठे दिव्यांग जन पेंशन की राशि को 400 बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति महीना करने की मांग कर रहे हैं। नगर के अंबेडकर चौक पर गत 4 दिसंबर से धरना कार्यक्रम जारी है। वहीं कड़ाके के ठंड के बीच दिव्यांगों की मांगों को सुनने और उनकी हालत को देखने के लिए अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। धरना स्थल पर वीर बहादुर नामक युवा दिव्यांग अपने गीत के माध्यम से दिव्यांगों की पीड़ा और शराब से होने वाले नुकसान को बताते हैं। वहीं दिव्यांग अधिनियम 2016 को लागू कराने और दिव्यांगों को सम्मानजनक जिंदगी दिलाने के लिए इनकी प्रमुख मांग है। रहने के लिए घर नहीं है, हमको खाने के लिए नहीं है, बाल बच्चा जो है वो भूखे मर रहा है, हमको कुछ चाहिए ना, इसीलिए हम 4 दिन से धरना पर बैठेंगे। 4 दिन से बैठेंगे जी? कब तक बैठेंगे? जब तक ले नहीं मिलेगा जब तक यहाँ पे बैठेंगे। के लिए जो भी बिहार सरकार से, भारत सरकार से जो भी सुविधा दी गई है उसको धरातल पे लागू नहीं किया जा रहा है। सब पेपर वर्क में चल रहा है, एक भी धरातल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि नगर पालिका में और जिला परिषद में जो 4% 5% का आरक्षण की बात की जा रही है, उसमें आप पता करवा सकते हैं कि कितने दिव्यांगजनों को रूम अलॉट किया गया है। यह सरकार लागू कराने में विफल रही है और दिव्यांगजनों को जमीन, आवास, अंत्योदय राशन कार्ड और पेंशन वृद्धि सहित हमारी 21 सूत्री मांगों को जब तक यह जिला प्रशासन नहीं मानती है उसको लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन कर रहे हैं। खबर सहरसा से है, जहां किराना व्यवसायी के बेटे के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़ित किराना व्यवसायी सदर थाना क्षेत्र के पशुपालन कॉलोनी का रहने वाला है। पीड़ित किराना व्यवसायी अरुण प्रसाद यादव की माने तो अपने घर से दुकान जा रहा था, जिसके पास में 1.5 लाख रुपए भी था जो व्यापारी को देना था। इसी दौरान अपहरण कर लिया गया। जानकारी के बाद इसकी सूचना सदर थाना की पुलिस को दी गई। वहीं सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने जमीन को लेकर किराना व्यवसायी द्वारा अपहरणकर्ता से पैसा लेने की बात कही, जिस वजह से घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि जल्द लड़की की बरामदगी की जाएगी। हमर बेटा जाए रहे दुकान पर, दुकान पर से रास्ते में किडनैप कए लेलके 10 लड़का मिल के, गाड़ी में बैठा के लै गेलै मारि पीट के। और अयले जे बेटा के किडनैप कए लेलके, 3 लाख टका मांगै छै। आ 3 लाख टका मांगै रहै जे तोरा बेटा के छोड़ देबो, हम उठा के लै गेलियौ। आ हमरा नहि छै टका, थाना गेलियै, थानामे कोइ सुनवाइ नहि, अखन तक हमर बेटा नहि अयलै यऽ। किराना और का दुकान है शंकर चौक पे, मेरा बच्चा दुकान पे जा रहा था तिल वाला को पेमेंट देने के लिए, 1.5 लाख रुपया उनके साथ में था और रास्ते में बच्चा का अपहरण कर लिया। और फिर अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ता फोन किया उधर से कि 3 लाख रुपया पहुंचाओ तब तुम्हारा बेटा को छोड़ेंगे।
मधुबनी जिला के पूर्व विधायक सीताराम यादव ने प्रेस वार्ता कर बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करीब 2 दर्जन से अधिक अधूरा सड़क निर्माण कार्य पर चिंता व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। विभाग की सुस्त रवैये एवं शिथिलता के कारण सरकार बदनाम हो रही है। उन्होंने बताया कि बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में कई ऐसे सड़क हैं जहां कई वर्षों से सड़क का निर्माण कार्य अधूरा एवं मरम्मती कार्य अधूरा किया गया है। श्री यादव ने कहा कि विभिन्न सड़क की समस्या को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलकर अवगत कराएंगे। सरकार को हम ये संदेश दे रहे हैं, क्योंकि विभाग हो सकता है कि जानकारी नहीं हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं 12 तारीख को मधुबनी में, तो हम उनसे भी मिलेंगे और हम अपने डिप्टी सीएम जिनका विभाग है हम उनसे भी मिलेंगे, इस बात को उनको सब विस्तार जानकारी देंगे। और मुख्यमंत्री सड़क भी है, यहाँ पर कई सड़कें हैं जो अभी तक कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। खबर बिहार के सहरसा जिले से है, जहां बनगांव थाना क्षेत्र के चैनपुर नीलकंठ मंदिर परिसर में बने एक भवन में 20 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे, वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। मौके पर बनगांव थाना पुलिस भी पहुंचकर जांच में जुट गई है। हत्या का यही है, जो उसको कोई फोन करके बुलाया, इसको पहले मारा, उसके बाद इसको लटकाया गया। अब कौन है इसका तो साक्ष्य तो पुलिस ही उपलब्ध करवाएंगे। क्या करते थे युवक? ये लड़का इंटर करके दौड़ फंक कर रहा था और उसके बाद ये बहाली में, फौज का बहाली में जाता था और 18 तारीख को बहाली होने, ये 18 तारीख को बहाली में जाएगा, जाने के लिए आया था गाँव। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।